जी तो रादर साक्षी काफी इम्पोर्टेंट दिन है कह सकते हैं गुजरात के लिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम गुजरात पे गए भी थे तब भी ये एक आकलन लगाया जाता है कि इस पूरी ड्यूरेशन में 10 11 12 13 जो ये जिस सब समय ये वाइब्रेंट गुजरात होता है उस समय होटल के प्राइसेस भी शूट अप कर जाते हैं, स्पेशली उन होटल्स के जो कि काफी प्रोमिनेंट है, जैसे कि आप ग्रैंड भगवती की बात करें जो काफी फेमस भी है, तो ये तरह के होटल्स की प्राइसेस बहुत चढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट है 25 लाख। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इस बार इंटरनेशनल एक्सचेंज का यहाँ पर लॉन्च हुआ है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में इंटरनेशनल एक्सचेंज का उद्घाटन भी किया, बीएससी का इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में है। इसमें 16 जनवरी से कारोबार भी शुरू होगा, एक्सचेंज में विदेशी कंपनियों में ट्रेडिंग भी हो सकेगी और इस एक्सचेंज में ट्रेडिंग आवर्स 22 आवर्स तक के होंगे। इस एक्सचेंज के जरिए दुनिया की बड़ी कंपनियों में निवेश का विकल्प भी मिलेगा। गिफ्ट सिटी वॉज बॉर्न आउट ऑफ दिस विजन। अवर एम वॉज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज टू इंडिया वर्ल्ड क्लास टैलेंट इन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। टूडे विद द इनॉग्रेशन ऑफ दिस एक्सचेंज we have reached an important landmark in achieving that vision. All right, और इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्या कुछ होगा खास ये बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट अंचल भी मौजूद हैं न्यूज रूम से। अंचल बताइए क्या कुछ होने वाला है इसमें खास। शुक्रिया साक्षी। देखिए सबसे बड़ी और सबसे खास बात होगी 16 जनवरी से जो एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज शुरू होगा, शुरुआती तौर में सबसे पहला प्रोडक्ट जो ऑफर करेगा वो होगा सेंसेक्स 50 फ्यूचर्स। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं एसजीएक्स निफ्टी के बारे में, एसजीएक्स निफ्टी निफ्टी को फॉलो करता हुआ एक फ्यूचर है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, उसी तर्ज पे सेंसेक्स 50 फ्यूचर्स लॉन्च किया जाएगा और इसकी ट्रेडिंग की जाएगी। 22 घंटे ट्रेडिंग होगी इस फ्यूचर की, यानी आप खुद देखिए सुबह सुबह से ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, जब निकाई का बाजार खुलता है, जब जापान में निकाई खुलता है उस समय से ये एक्सचेंज खुलेगा और ट्रेडिंग शुरू होगी और ऑल द वे आधी रात के बाद तक इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती रहेगी। तो ग्लोबली जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, थ्रू आउट द डे कभी भी इस एक्सचेंज पे ट्रेड कर पाएंगे और वो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। इसके साथ साथ बीएससी के स्टॉक और अन्य इंडेक्स फ्यूचर भी जल्द लॉन्च कर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग पहले फेज में कहीं ना कहीं बीएससी के स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद अगले चरण में प्लान है सोना चांदी कॉपर ऑयल और रुपी के फ्यूचर्स को पे ट्रेडिंग लॉन्च करना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज साक्षी ये है, क्योंकि इंटरनेशनल तर्ज पे पूरा एक्सचेंज बनाया गया है, इसकी जो ट्रेडिंग करेंसी रखी गई है वो डॉलर रखी गई है ना कि रुपया, तो इस पूरी एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होगी वो डॉलर के तर्ज पे होगी, डॉलर के थ्रू होगी और कहीं ना कहीं अभी तक 100 ब्रोकर्स ने सेबी को अर्जी दी थी इस एक्सचेंज में अपने ऑफिसेज को खोलने की, उसमें से 40 ब्रोकर्स को मंजूरी मिल चुकी है। तो शुरुआती तौर पे 16 जनवरी से जब ये एक्सचेंज शुरू होगा सबसे पहली चीज आप देखेंगे सेंसेक्स 50 की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और उसके इमीडिएटली बाद धीरे धीरे करके कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐड होते जाएंगे। चलिए जब तक अगर आप एसएक्स निफ्टी को ट्रैक करते थे भारतीय बाजारों के संकेतों को समझने के लिए, तो अब आप सेंसेक्स 50 को भी ट्रैक कर सकते हैं भारतीय बाजारों के संकेतों को समझने के लिए। लेकिन ये 16 जनवरी के बाद से ही ये जो कामकाज है इस फ्यूचर से वो शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंचल पूरे अपडेट्स देने के लिए। तो ये एक नया फीचर, एक नया जो वेंचर है बीएससी की तरफ से शुरू किया गया है। अब बातचीत करते कुछ और दर्शकों से।